स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। जबलपुर आज भी समाज और जाति पाति को लेकर चल रही कुप्रथा के कारण कई जिंदगियां बर्बाद हो गई, जहां समाज के ठेकेदारों के चलते कई परिवार बिखर गए। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पनागर के ग्राम निभौरी में रामकुमार पटेल ने मौत को गले लगा लिया, क्योंकि रामकुमार पटेल के बेटे ने समाज के बाहर शादी कर ली, जिस पर समाज वालों ने रामकुमार पटेल और उसके परिवार को समाज से बाहर कर दिया। वहीं रामकुमार का बेटा अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था, उसके बावजूद भी समाज वालों ने रामकुमार पटेल का हुक्का पानी गांव से बंद कर दिया। रामकुमार पटेल ने काफी मिन्नतें की, लेकिन समाज की दुहाई देने वाले ठेकेदारों ने एक ना सुनी। वही समाज के ठेकेदार बनने वाले फूल सिंह गोवर्धन, शिवनाथ टाटूसा व अन्य दो के अलावा गुड्डू पटेल और उसके परिवार को समाज में शामिल करने के लिए 2 लाख रु की मांग की गई। वहीं रामकुमार पटेल जब रुपए देने में असमर्थ हो गया तो उसने जहरीली वस्तु का सेवन कर मौत को गले लगा लिया। वहीं मरने से पहले रामकुमार ने प्रताड़ित करने वाले पांचों के नाम सुसाइड लेटर में लिखकर मौत करना पांचों को बताया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। जबलपुर से संतोष कोरी रिपोर्ट की रिपोर्ट। भैया, ये भैया जहर खाए हुए हैं, आपके क्या लगते हैं और इनके किन कारणों से ये जहर? ये हमारे मामा लगते हैं, वो एक इनके लड़के ने एक धंधा वाली लेडीज से कोई जैसा संबंध बना लिया था, तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, वो लड़का अलग था, मामा लोगों से कोई संबंध नहीं था, जो मतलब इनके पास में रहता था, वो बाहर काम कर रहा था। इसके बाद में लड़की को जो मतलब गांव के लोग जो जान पहचान के थे, तो जो लड़की को सांट के बोल रहे थे कि तुम एक काम करो, हम तुमको 10-20 हज़ार देंगे और बाकी जो वो जरिया से 3-3, 4-4 लाख की मांग करते थे, 1-1.5 लाख रुपया जो दे चुके मोड़ी को, वो भाग जाती थी, मगर ये गांव के जो लोग हैं तो उसको बुला के और उसके बाद में जब अपना मैटर बनाते थे कि मतलब इसको 1,000, 2,000, 5,000 दे देंगे, बाकी पैसा पूरा हमारा हो जाएगा। इस वजह से जो गम के मारे सहन नहीं कर पाए, तो ये अपनी आत्महत्या कर ली। अच्छा, ये समाज में शामिल को भी लेकर कुछ राशि की मांग की जा रही थी गांव के कुछ लोगों के द्वारा, ये भी जानकारी मिली थी? ये जानकारी विशेष अपन को नहीं है, मगर ये जानकारी है कि मतलब गांव के लोग बोल रहे थे कि फूल सिंह कहाया, शिवनाथ कहाया और गोवर्धन पटेल, टाटू साहू, इन लोग इनको ज्यादा प्रेरणा दे रहे थे, तो इन लोग इनकी FIR दर्ज भी करवाया है शायद, अभी पता नहीं है कि गए हैं थाने या नहीं गए हैं। अच्छा, इन चारों के द्वारा इनको प्रताड़ित किया? हाँ, इन चारों को, गुड्डू पटेल। क्या लगते हैं आपको? मामा लगते हैं। भैया, ये भैया ने जहर खाया है, इसमें कुछ जानकारी आ रही कि ये किसी के दबाव में या समाज के किसी ठेकेदारों के कहने के या उनसे द्वारा प्रताड़ित करने के कारण इन्हें जहर खाया, कैसा क्या जानकारी है आपको इसको? इसकी जानकारी यही 2-3 लोगों से, जैसे फूल सिंह है और गोवर्धन पटेल है, शिवनाथ है, इनके मामले में हमने सुना है कि ये लोग बहसबाजी करते हैं, वाद विवाद के कारण इन्होंने ये काम किया है, और साथ में टाटू भी। समाज में शामिल को करने को लेकर इस विषय का कुछ मामला ऐसा सुनाई में? जी हाँ। क्या है, पूरा बताएं विस्तार? वो समाज में ये बोल रहे थे कि हमको पैसा दो तभी हम समाज में आपको ला सकते हैं। अच्छा, किस कारण से ऐसा कह रहे थे? वो लड़का के कारण, उसकी वो लड़का ले गया ना बहू को, किसी प्रजात को लेकर के, आदिवासी को, तो समाज में शामिल करने के एवज में कितनी राशि मांगी जा रही थी? कम से कम 2 लाख की मांग कर रहे थे सर, समाज के ठेकेदार। जबरदस्ती आई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रका प्रसाद। जो खत्म हुए ये हमारे बड़े ब्रदर है। हमारे ये जो भैया खत्म हुए हैं, ये किन कारणों से इन्हें जहर खाया था? वो राजवती लड़की है, वो मेरे बेटा के जबरदस्ती फंसाया उसने और 2 लाख की मांग की उसने, उसके कारण समाज मेरे के बंद कर दी, मेरे आदमी ने इसीलिए जहर खा लिया। यहाँ समाज कौन कौन समाज के लोगों ने आपके साथ? फूल सिंह, गोवर्धन, शिवनाथ, वो लड़की हमसे बहुत बार पैसा ले जा चुकी है, वो थाने में जाके 2 लाख रुपया मांग रही है, और टाटू भी है उसके साथ में। इन सब लोगों ने आपसे राशि की मांग की गई समाज में शामिल करने को लेकर? वो लड़की मांग की है। ये लड़की कहाँ रहती थी? वो लड़की, लड़की के द्वारा मांग लेकर रहे थे, लड़की तो एक मतलब लड़की रहती थी बीच गाड़ी, लड़की कोई बात नहीं होती, लड़की की वजह से राशि जे खड़े। सर, एक मामला जानकारी में आया कि किसी समाज के व्यक्तियों द्वारा किसी को प्रताड़ित किया है, जिस पर उसने जहर खा लिया है, कैसा क्या मामला? आज ग्राम निभौरी से सूचना आई थी कि रामकुमार लोधी नाम के व्यक्ति ने कोई जहरीली वस्तु का सेवन किया है, जिस पर
हमारी टीम गई और देखा तो वो मृत अवस्था में मिला, पीएम कराया गया है। उसके जेब से एक पत्र मिला है जिसमें एक महिला का राजवती का नाम है और फूल सिंह लोधी गोवर्धन सोमनाथ और चट्टू साहू छतरपुर छतरपुर गांव के, इनका नाम लिखा है उसमें कि 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, ये उल्लेख नहीं है, ये जांच का विषय है, उसमें जांच करेंगे, जांच के उपरांत जैसी वैधानिक कार्रवाई हुई की जाएगी।